हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अक्सर मैं आपके पास शिक्षा वृत्ति से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, कुछ अपडेट हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जो आप कमेंट करते हैं उनकी भी रिप्लाई देने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सेकेंड काउंसलिंग की बात कही जा रही थी और जिसके लिए एक बड़ा आंदोलन भोपाल में किया गया, वो पूर्णतः सफल रहा। बहुत से लोगों ने उसमें सहयोग किया, भोपाल पहुंचकर ज़मीनी स्तर पर मेहनत की दोस्तों, और उसका नतीजा ये निकला कि विभाग ने स्वयं कहा है कि आपके पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हम करेंगे। यहाँ पर कल मैं एक वीडियो भी लाया था जहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है कि जो आपकी वैलिडिटी है वो अक्टूबर में समाप्त हो रही है, तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि जो जनजाति विभाग है उन्होंने आपकी मार्कशीट की, जो पीएबी की मार्कशीट है, उसकी वैलिडिटी अगले एग्जाम तक कर दी है। यानी कि शिक्षक भर्ती का अगला एग्जाम जब भी होगा तब तक वो वैलिड रहेगी मार्कशीट। डीपीआई की बात करें तो बहुत जल्दी आपके आदेश जारी हो जाएंगे। साथ में विभाग ने ये भी कहा है कि पद वृद्धि के साथ जो है सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाएगी दोस्तों। उसके लिए लगातार संघर्ष और मांग जारी रहेगी, लेकिन भोपाल में जो आप सभी ने सहयोग किया है, जो आप सभी ने प्रदर्शन किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि सभी की एकता से ही ये संभव हो पाया और जल्द से जल्द इस संबंध में आदेश जारी होंगे दोस्तों। तो निश्चित रूप से सेकेंड काउंसलिंग में बहुत से भाई बहनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्या नई भर्ती आएगी, ये भी आपके मन में संशय चल रहा है दोस्तों। तो मैं हमेशा कहा है, जब 2018 में ये भर्ती आने वाली थी और अधिकांशतः लोगों के मन में संशय था कि भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन, मैंने आपसे कहा था कि चुनाव के आसपास इतिहास रहा है कि मध्य प्रदेश में भर्तियाँ आती हैं, खासकर शिक्षक भर्ती। 2004 की बात करें, 2008 की बात करें, 2011 की बात करें, 2018 की बात करें, ये वो साल थे जो कि चुनाव के आसपास थे दोस्तों, तो यहाँ पर भर्तियाँ आती ही आती हैं। ऐसे ही 2023 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, पीएबी को जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, अप्रैल 2023 में इसके एग्जाम प्रस्तावित हैं। तो अभी से दोस्तों बहुत से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, आप भी तैयारी जारी रखें। बहुत से भाई बहनों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर कहाँ से हम तैयारी शुरू करें, तो उस संबंध में यदि आप कमेंट करेंगे मैं डेफिनेटली वीडियो ले आऊँगा। यानी हमारी मांग ये है कि जो 2018 की भर्ती है उसमें पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग की जाए, जिससे कि बहुत से भाई बहन जो कि अच्छे नंबर लेकर भी बाहर बैठे हैं उन्हें ज्वाइनिंग मिल सके। बहुत से लोग ओवरेज हो रहे हैं जो अगले एग्जाम ना दे पाएंगे, ना उनका जो है सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि ओवरेज हो जाएंगे, तो उन्हें यहाँ पर लाभ दिया जाए। तो इसलिए पद वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग बहुत जल्दी है। वहाँ पर आगामी जो भी बीएड डीएड धारी हैं उनके लिए आगे मौका मिले, इसके लिए नई भर्ती भी आना जरूरी है। शिक्षा मंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हम हर साल जो है शिक्षक भर्ती लेंगे, यदि हर साल होती है तो बेस्ट है, नहीं तो 5 साल में तो कन्फर्म ही है, क्योंकि एक भर्ती को पूरे होते होते 5 साल लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी वर्ग तीन की, क्योंकि वर्ग तीन के काफ़ी कमेंट आए कि सर हमारे रिजल्ट का क्या हुआ, वो भी तो इस मांग में शामिल था। दोस्तों बिल्कुल था, लेकिन आपको भी सहयोग करना चाहिए था। बहुत कम लोग वर्ग तीन से गए उस आंदोलन में अपनी बात रखने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी को एक होना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाइड हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि सर चाहे 1 लाख से ऊपर पद आ जाए, चाहे रिजल्ट घोषित हो जाए, हम तो डिस्क्वालीफाइड हैं। यदि एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो डेफिनेटली हमें लाभ मिलेगा, दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जबकि हम गवर्नमेंट के वक्तव्य सुन चुके हैं, वो इनके पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर क्या मांग होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच की, क्योंकि कहीं भी कुछ भी विसंगतियाँ हुई हैं उसकी जाँच होकर जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आगामी जितनी भी भर्तियाँ आनी हैं यदि दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो उस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो निष्पक्ष जांच हो वर्ग तीन में, जो भी विसंगतियां हों वो दूर हों और उन्हें जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डिक्लियर हो, जिससे कि आगामी जो भी भर्ती प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, वो शुरू हो सके दोस्तों। इसके लिए मांग करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पद आएँ दोस्तों। 51,000 पदों की मांग लगातार सोशल मीडिया से की गई दोस्तों, लेकिन हम वो संख्या बल नहीं जुटा पाए जहाँ पर हम ट्रेंड में आ सकें। ज़मीनी स्तर पर भी इसकी मांग की जा रही है, लेकिन वो संख्या बल तो चाहिए जो कि इसको सपोर्ट कर सके। बहुत से क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हैं जो अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन वो बीएड डीएड में उलझ गए। डीएड वाले कहते हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, बीएड वाले बाहर होंगे, बीएड वाले कहते हैं सर हम बाहर तो नहीं जाएंगे। जबकि इस पर मैं करीबन 3-4 वीडियो ले आया हूँ, हर राज्य में क्या नियम है,
हाई कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही, वो मैं पूरा अपडेट ले आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों डेट्स आगे बढ़ती हैं, आपको मालूम कि जब तक सभी पक्ष ना सुन लिए जाएंगे तब तक इस पर फैसला नहीं आएगा, तो बीएड से संबंधित जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है लगातार। अब यहाँ पर डीएड और बीएड को छोड़कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पद आए उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, जल्द से जल्द रिजल्ट आए उसके लिए संघर्ष करना चाहिए दोस्तों। और वर्ग तीन और आगामी वर्ग एक और वर्ग दो जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके संबंध में सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका संघर्ष है बहुत लंबा है। अभी तो रिजल्ट होगा वर्ग तीन का, फिर उसके बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आए, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, निष्पक्ष जाँच हो जिससे कि दोषियाँ बाहर हो। तो इसके लिए इस संडे को क्या हम जो है सोशल मीडिया अभियान चलाएं, आपको यहाँ पर कमेंट करके लिखना है दोस्तों, जिससे कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो पाए। आप इसके लिए तैयार हैं क्या? और यदि नहीं है तो फिर हम कौन सा रास्ता अपना सकते हैं जिससे कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो, क्योंकि पीएबी में भी बहुत से कैंडिडेट जाते रहते हैं जो कि भोपाल के निवासी हैं, वो तो अधिकांशतः जाते हैं, वो यही कहते हैं कि वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है कि आपका रिजल्ट कब घोषित होगा। हालांकि आचार संहिता हटने की बात कही जा रही थी तो वो अब थोड़े दिनों में हट ही जाती है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए। और इसकी मांग आप जितनी जल्दी करेंगे दोस्तों उतना ही आपको लाभ मिलेगा, जितने ज़्यादा पद आएंगे उतने ही कट ऑफ जो है नीचे जाएगी, उतने ही लाभ मिलेगा। जो दोषी हैं, जो भी कोई विसंगतियाँ हैं, उनसे अच्छे नंबर लाने के प्रयास कर रहे हैं, वो जब पकड़े जाएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। जो ये तीन जो मांगे हैं वो प्रमुख रूप से रहेंगी। और मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे चैनल्स हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप अपने स्तर से कोशिश करें, प्रयास करें वर्ग तीन को इकट्ठा करने की, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। अच्छे नंबर लाना ही काफ़ी नहीं है, अच्छे नंबर के साथ अच्छे पद भी आने चाहिए, जितने ज़्यादा पद आएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सोशल मीडिया इस संडे को दोस्तों चलाने का एक प्रस्ताव है, आप सभी यदि मंजूर करेंगे तो डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में पूरी की पूरी शेयर कर दूँगा कि कैसे कैसे हमें ट्वीट और रीट्वीट करना है। बहुत से भाई बहनों ने ये भी कहा कि सर हमारा ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो मेरा एक पुराना वीडियो डला हुआ है उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें ट्विटर और अकाउंट कैसे बना सकते हैं और ट्वीट और रीट्वीट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये है कि ज़मीनी स्तर पर भी आप उतरोगे तो आपको संगठन चाहिए, संख्या बल आपको चाहिए दोस्तों। जब आप सब एक हो जाओगे, एक दिशा में बढ़ोगे, तभी कुछ हासिल कर सकते हो दोस्तों। वर्ग एक और वर्ग दो की जो नई भर्तियां हैं दोस्तों, उस संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन पर मैं वीडियो ले आऊँगा। और इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि क्या डाउट है आपके मन में, तो डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट है दोस्तों कि सेकेंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ होगी, नई भर्ती आपकी वर्ग एक और वर्ग दो आने वाली है। वर्ग तीन के संबंध में सोशल मीडिया अभियान और ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करना होगा दोस्तों, तभी आपको निष्पक्ष जांच मिलेगी जिसमें दोषियों को सजा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पद आए वो भी आप सफल रहोगे और रिजल्ट डिक्लेयर कराने में भी सफल रहोगे। जब आप एक हो तो सब कुछ संभव है, और जब आप बिखरे हुए हो तो कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहेंगे उसी हिसाब से ही फिर आगे चल के मुहिम तैयार की जाएगी और आप सभी के सहयोग से सफलता हासिल की जाएगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।